माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं? उम्मीद करते हैं आप सब लोग अच्छे होंगे। आज एक नई इन्फॉर्मेशन के साथ। वो इन्फॉर्मेशन क्या है कि जवाहरलाल इंस्टीट्यूट ऑफ पोस्ट ग्रेजुएट मेडिकल एजुकेशन एंड रिसर्च में फार्मासिस्ट की वैकेंसी आई है और उसी के बारे में मैं आज आपको बताने वाला हूँ। तो सबसे पहले हम लोग देखें jiPMER.edu.in वेबसाइट पे जाएंगे। तो ये आपका ऑफिशियल पेज है और इस ऑफिशियल पेज में हम आएंगे अनाउंसमेंट पे, और इस अनाउंसमेंट पे, ऑल अनाउंसमेंट पे जब क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको मिलेगा रिक्रूटमेंट ऑफ वेरियस ग्रुप बी एंड सी पोस्ट। तो यहाँ पे देखें पांडिचेरी में है। अब इस पे हम लोग क्लिक करेंगे एडवर्टीजमेंट पे। जब क्लिक करेंगे तो ये आपका निकल के आएगा सेंट्रल गवर्नमेंट की ये वैकेंसी है। तो यहाँ पे इंफॉर्मेशन दी गई, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन जो है वो स्टार्ट हो रहा 22/2/2023 से और क्लोज होगा ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन 18/3/2023। एडमिट कार्ड आपको डाउनलोड होगा 25 मार्च से और डेट ऑफ एग्जामिनेशन है वो भी ऑनलाइन मोड में, वो है 2 अप्रैल 2023। ठीक है, अब देखें क्या है पोस्ट के बारे में, क्या इन्फॉर्मेशन है वो देखा जाए। तो पोस्ट के बारे में यहाँ पे इन्होंने इन्फॉर्मेशन जो दिया है, ग्रुप सी में देखा जाए 7वें नंबर पे आपको मिलेगा फार्मासिस्ट की वैकेंसी और वो यहाँ पे मिलेगा 7वें नंबर पे। अगर आप देखें तो टोटल वैकेंसी 5 है, यहाँ पे 3 अनरिजर्व है और 2 रिजर्व है, यानी 5 वैकेंसी आपको मिल रही है फार्मासिस्ट। अब देखें एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है इसकी। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया देखा जाए क्या दिखा रहा है इसमें एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के लिए हम लोग नीचे चलेंगे और यहां पे देखें फार्मासिस्ट। फार्मासिस्ट एसेंशियल क्वालिफिकेशन एंड एक्सपीरियंस। तो यहां पे देखें पहला जो दिया गया डिग्री इन फार्मेसी फॉर फ्रॉम रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी और इक्विवेलेंट 1 ईयर एक्सपीरियंस एज अ फार्मासिस्ट, यानी जो लोग बी फार्मा किए हैं वो एलिजिबल हैं, साथ में 1 ईयर का एक्सपीरियंस होना चाहिए। डिप्लोमा इन फार्मेसी, आप डिप्लोमा किए हैं तब भी आप एलिजिबल हैं, लेकिन इनके साथ 2 ईयर का एक्सपीरियंस चाहिए, यानी बैचलर वालों को 1 ईयर का एक्सपीरियंस चाहिए और डिप्लोमा वालों को 2 साल का अनुभव चाहिए। साथ ही साथ रजिस्टर्ड एज अ फार्मासिस्ट अंडर द फार्मेसी एक्ट और साथ ही साथ फार्मेसी काउंसिल पीसीआई में आपका रजिस्ट्रेशन होना चाहिए। तो ये अच्छी बात है कि बी फार्मा वाले भी अप्लाई कर सकते हैं और डिप्लोमा वाले भी अप्लाई कर सकते हैं। और ये पे स्केल दिया गया है यहाँ पे, और एज जो दी गई है वो 30 ईयर्स, यानी आपकी उम्र 30 साल से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। और अगर आपने बैचलर किया है, डिप्लोमा किया है और साथ में आपको अनुभव है तो आप इस पोस्ट के लिए एलिजिबल हैं, ये फॉर्म आप भर सकते हैं। ठीक है, एज रिलैक्सेशन आपको उसी तरह से मिलेगा जैसे सेंट्रल गवर्नमेंट में आपको मिलता है। हाउ टू अप्लाई करना, कैसे अप्लाई करना, ये सारी इन्फॉर्मेशन दी गई है। और यहां पे देखें एप्लीकेशन फीस के बारे में जानकारी दी गई है कि जो एप्लीकेशन फीस है वो एप्लीकेशन फीस क्या दिया गया है, अनरिजर्व या ईडब्ल्यूएस कोटे के लिए 1500 रुपए, ओबीसी के लिए 1500 रुपए, एससी एसटी के लिए 1200 रुपए और पीडब्ल्यूबीडी, इनको फीस नहीं देना है। ठीक है, तो ये फीस की इंफॉर्मेशन है। सिलेबस अभी इसमें मेंशन नहीं किया गया, सिलेबस आने वाले दिनों में मेंशन किया जाएगा कि क्या क्या चीजें होने वाली हैं। ऑनलाइन मोड में आपका एग्जाम होने वाला है, तो जो लोग भी सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब करना चाहते हैं वो इस पीडीएफ को पूरे ध्यान से पढ़ेंगे। पढ़ने के बाद इसको ऑनलाइन मोड से ही अप्लाई करना है, ऑनलाइन मोड से आप इसको अप्लाई कीजिए और इसकी तैयारी कीजिए। इसका जब एग्जाम होगा, जिस भी डेट को एग्जाम यहाँ पे मेंशन किया जा रहा है, स्टार्टिंग में हम लोगों ने देखा एग्जाम का मेंशन किया जा रहा है, वो शायद अप्रैल में एग्जाम है। डेट ऑफ एग्जामिनेशन 2 अप्रैल को है, आप तैयारी कीजिए, एग्जाम दीजिए और अगर आप क्वालिफाई कर जाएंगे तो आप सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर जॉब पा जाएंगे। तो उम्मीद